हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में बिना टैक्स बाहरी राज्यों से आने वाले बसों और गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरटीओ विभाग नालागढ़ ने जगह जगह पर नाकेबंदी करते हुए बिना टैक्स के चल रही बसों, प्राइवेट टैक्सी और ट्रेवलर वाहनों को रोककर टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इस विभाग ने कुल 21 वाहनों के चालान काटे और 4 बसों को जब्त किया। आरटीओ मदन कुमार ने बताया कि बद्दी बरोटी वाला में रूटीन चेकिंग की गई, जिसमें पाया गया कि बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल बसों व टैक्सियां बिना टैक्स के चल रही थी, उन पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें निकले थे तो बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़, तीनों ही जगह में हमने चेकिंग करी है। और इसमें जो बाहर की स्टेट से जो गाड़ियाँ आ रही है, जिनमें अभी सरकार ने हाल ही में टैक्स फिक्स किया है, जैसे इनके काउंटर सिग्नेचर होने हैं और इनका जो टैक्स जमा होना है, उसके रिगार्डिंग हमने चेकिंग किया था। तो 4 बसों को इसमें जब्त किया जो बिना उसके पाई गई है टैक्स के, और इनको काउंटर साइन के लिए इंसिस्ट किया गया है कि काउंटर साइन अपने 31 जनवरी से पहले काउंटर साइन करवा ले, ताकि इनकी आगे जो जनवरी में इनकी जो संचालन है वो ना रुके। उसमें कुछ कंपनी में लगी हुई बसेज है, कुछ एक दो स्कूल की बस है और एक HP02 गाड़ी भी है। मेनली जो HP की गाड़ियां हैं उसमें तो टैक्स का था, तो वो टैक्स उनका जैसे ही अभी आज जमा हो जाएगा टैक्स, तो उसके बाद उनको रिलीज़ करेंगे और उस पर फाइन जो भी एक्ट में प्रोविज़न है उसके हिसाब से उसको उनको छोड़ा तभी जाएगा जब उनका टैक्स हमारे पास आ जाएगा। स्कूल बस एक दूसरी स्टेट की है जो जिसमें काउंटर साइन होना है, क्योंकि वो बिना काउंटर सिग्नेचर के थी, तो इसमें सरकार ने क्योंकि अभी टैक्स तो कर ही दिया है तो इसलिए इनको काउंटर सिग्नेचर के लिए बोला गया है। और उसमें टैक्स अभी जमा हो जाएगा जैसे ही ये काउंटर साइन के लिए अभी वो आते हैं, गाड़ी छुड़वाने जैसे आते हैं, तो फिर उसमें काउंटर साइन की अगली प्रक्रिया हम जारी कर देंगे और उस पेनल्टी लगा करके इसको फिर रिलीज़ करेंगे। ये हमारे निदेशक महोदय के बहुत ही उसमें आदेश है कि आप रेगुलर चेकिंग कंडक्ट करें, क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिया। पहले तो ऑपरेटर्स का था कि हमारे पास टैक्स आपने कुछ फिक्स नहीं किया है, तो निदेशक महोदय ने ये सभी टैक्स वगैरह को एक बार इनका सुचारू रूप से कर दिया है कि आप इतना टैक्स पे करें, किसी को कन्फ्यूजन नहीं रखी है। तो अब यही है उनके आदेश के भी, आप जो भी टैक्स लगा दिया है उसको आप पे करें और अपने आराम से चलें। चालान भी टोटल हमने 21 चालान किए हैं, 21 हमारे चालान कल हुए हैं और उसमें 4 गाड़ियां अंदर करी थी। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।